ओके तो अभी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स स्टार्ट किया था, ये पॉइंट हम इस टॉपिक में इन डिटेल लर्न करने वाले हैं। तो यस, आज स्टार्ट करेंगे हम टिश्यू। व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? ये तो आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से सीखते आए हो, टिश्यू क्या होता है चलिए बताइए। ओके तो ये डेफिनेशन करेक्ट है अब स्टैंडर्ड 11th के लिए? नो। ग्रुप ऑफ सेल, किसी भी ग्रुप सेल का ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट के टिश्यू, प्लांट के सेल कलेक्ट कर लिए, एनिमल के भी सेल कलेक्ट किए और उन दोनों को मैंने एक साथ रखा, इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू? नो। तो चलिए, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग करेक्ट सिमिलर ओरिजिन, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोज वो प्लांट टिश्यू है तो वो सिमिलर ओरिजिन के होने चाहिए, प्लांट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब प्लांट के रूट टिप से, हमने इन डिटेल प्लांट टिश्यू देखा है, ठीक है, मतलब उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, प्लस करेक्ट फंक्शन भी सेम होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। तो ये करेक्ट डेफिनेशन होगी हमारी, क्योंकि सपोज मैंने पेट्री डिश में प्लांट और एनिमल दोनों के भी सेल्स को कलेक्ट किया तो इसे हम टिश्यू नहीं बोल सकते। तो ऐसे सेल का ग्रुप जो कि एक ही ओरिजिन से आ रहा है, मे बी वो प्लांट हो या एनिमल का ओरिजिन हो, एक ही स्ट्रक्चर है दोनों का, मतलब सेल्स का, और उनका फंक्शन भी सेम है, इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। तो इन डिटेल टिश्यू, एनिमल टिश्यू हम देख लेंगे जो कि 4 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड टिश्यू हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बिचर्ट। ओके, बिचार्ट साइंटिस्ट ने टिश्यू ये वर्ड डिस्कवर किया है। प्लस फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज ऑल्सो बिचर्ट। टिश्यू वर्ड किसने डिस्कवर किया? करेक्ट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, दैट इज ऑल्सो बिचर्ट, एंड द वर्ड टिश्यू बिचर्ट साइंटिस्ट ने। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी? यस, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसी तरह की हमने और एक डेफिनेशन सेल में देखी थी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और हिस्टो मतलब टिश्यू का स्टडी करने, टिश्यू की स्टडी करने की जो भी प्रोसेस होती है, इट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिचर्ट। टिश्यू की टर्म किसने डिस्कवर की? बिचर्ट साइंटिस्ट ने। अब हिस्टोलॉजी वर्ड किसने डिस्कवर किया? मेयर साइंटिस्ट ने। तो ये सम बेसिक साइंटिस्ट के नाम है, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन सम बेसिक साइंटिस्ट बिचर्ट और रिलेटेड टू द मेयर, हिस्टोलॉजी वर्ड रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टिश्यू, जो कि इसका फादर बिचर्ट है। टिश्यू टर्म भी किसने डिस्कवर की? बिचर्ट ने, एंड हिस्टोलॉजी वर्ड भी डिस्कवर किया मेयर साइंटिस्ट ने। ओके, तो इस टॉपिक में हम जो भी टिश्यूज लर्न करने वाले हैं तो वो टिश्यूज हैं 4 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। फर्स्ट हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। एनिमल्स में इन चारों टिश्यू के अलावा कोई दूसरा टिश्यू नहीं है एनिमल्स में। और प्लांट में कौन से टिश्यू देखे थे हमने? वो तो हमने एंड द एंड देख लिए थे, लेकिन प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड टू 2 टाइप्स, दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगेन मेरिस्टेमेटिक में अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग टाइप्स के टिश्यू। ओके, एंड परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये भूलना नहीं है, अगेन आपको हर बार रिवाइज करना है, प्लांट के टिश्यू कौन से हैं, एनिमल्स के टिश्यू कौन से हैं। ओके, तो एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के, इपिथेलियल, कनेक्टिव,
मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू, सभी में टिश्यू। अब इन चारों में कंपैरेटिवली कौन सा क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जाता है नीट के लिए कि इन चारों टिश्यू का ओरिजिन कौन सा है? यस, चलिए बताइए जो आपको पता है ओरिजिन, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लर्न किया है, ठीक है, मसल्स लर्न किए हैं लोकोमोशंस में, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसके ओरिजिन कौन से हैं। ओरिजिन मतलब एम्ब्रियो के थ्री जर्म लेयर्स, करेक्ट ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो चलिए बताइए कौन सा आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन पता है? यस, करेक्ट। कनेक्टिव टिश्यूज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, जनरल क्वेश्चन। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑल्सो करेक्ट, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एंड नर्वस टिश्यूज आर, ये मैंने आपको बताया था कब, किंगडम एनिमेलिया में, करेक्ट। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कौन सा है? कौन सा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, समझ में आया? एक्चुअली नर्वस ये सबसे अंदर के मतलब डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी में, अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये कौन सा ओरिजिन, कौन से ओरिजिन का है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इपिथेलियल टिश्यूज तीनों भी ओरिजिन के हैं, कौन से? एक्टो सबसे बाहर वाली फेल है एंड करेक्ट। इपिथेलियल टिश्यूज आर एक्टो, मेजो एज वेल एज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कनेक्टिव टिश्यूज आर कंपल्सरी मेजो, मस्कुलर कंपल्सरी मेजो एंड नर्वस आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फोकस हो रहा है वो किस ओरिजिन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इपिथेलियल टिश्यूज कौन सा फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इपिथ, एक तो ओरिजिन का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मेन फंक्शन, एक तो इन डिटेल हम इन सभी टिश्यूज के अंदर लर्न करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल इपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या है? यस, प्रोटेक्शन, करेक्ट। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। इन डिटेल अभी देखने वाले हैं, लेकिन ओवरव्यू फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन। उसके बाद फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ओके, ये फंक्शन है इपिथेलियल टिश्यूज के। कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन कौन सा है? यस, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आ रहे हैं? ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट को स्टोर कर रहे हैं, सभी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये नहीं कि ये कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें ब्लड, लिम्फ, बोन, लिगामेंट, फिलामेंट, कार्टिलेज सभी आते हैं। ओके, इट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके फंक्शन जनरली क्या होने चाहिए? अगर सपोज ये बोन है तो इट गिव्स द सपोर्ट, मूवमेंट, लोकोमोशन, करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू। अगर एडिपोज टिश्यू दिया गया है तो स्टोरेज ऑफ फैट, करेक्ट। लिम्फ फंक्शन, लिम्फ का फंक्शन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा है लिम्फ का फंक्शन क्या है, टू क्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स, करेक्ट। ब्लड, सभी सेल्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, तो सभी के ओवरऑल फंक्शन ब्लड, रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी कर रहा है, इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रहा है, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ओके, कार्टिलेज टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स, लिगामेंट, लिगामेंट टू डिस अवॉइड डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, टेंडन, बोन टू मसल कनेक्शन, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के ये सभी फंक्शंस आ रहे हैं। समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू मेनली क्या काम कर रहा है, एरियोलर की हम देखेंगे इन डिटेल। मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाने का काम कर रहे हैं, और मसल्स किस में रोल प्ले कर रहा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगेन, करेक्ट। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसके लिए? मूवमेंट जब होती है तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी उंगलियां मूव कर रही है या लोकोमोशन? मूवमेंट, करेक्ट, ये मूवमेंट है, मैं चल रही हूं, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन, ठीक है।
मतलब अगर मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहे हैं तो हम मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं करते। बोल रही हूँ इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, अपर एज वेल एज लोअर जॉ मूवमेंट हो रहे हैं ना, मेरे आईज भी ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ भी मसल्स है ना। तो एनी एक्टिविटी अगर हमारे बॉडी में हो रही है, डाइजेशन हो रहा है कंटिन्यूसली मेरे बॉडी में, अभी ब्लड फिल्टर हो रहा है, ब्लड प्यूरीफाई हो रहा है, हार्ट पंपिंग एक्शन कर रहा है, सभी मसल से ही बने हैं, मे बी वॉलंटरी मे बी इनवॉलंटरी, बट ये हमारे बॉडी में मूवमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। मे बी वॉलंटरी मूवमेंट हो सकती है, मे बी इनवॉलंटरी। बोन्स की मूवमेंट कौन सी है, वॉलंटरी, करेक्ट, और डाइजेशन फिल्ट्रेशन एब्सॉर्प्शन इनवॉलंटरी, वो हमारे विल पावर से नहीं चल रही है, वो खुद 24/7 कंटिन्यूसली काम कर रही है बिना थक के, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी, ओके। वो भी हम इन डिटेल इसी टिश्यू में इन डिटेल देखेंगे। और नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इन डिटेल ये सभी टिश्यूज वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे, इसमें सब टाइप्स कौन से आ रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं और कौन से सब टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट है, ओके। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। स्टॉप।